सत्संग इस कलयुग में जलते बलते जीवों के लिए संजीवनी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जो लोग जल रहे हैं, बल रहे हैं, सत्संग में ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर का वो नाम मिलता है जिसका जाप करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो बेगम हो, कौन नहीं चाहता कि वो निरोग हो, कौन नहीं चाहता कि उसका घर परिवार सुख शांति से परमानंद से जीवन जिए। हर कोई चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन परमानंद के लिए हर गम दुख दर्द परेशानी की बीमारी के लिए एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज, एकमात्र टॉनिक अगर कोई है तो वो है मालिका नाम। मालिका नाम अनमोल है, पर वो बिना दाम के मिलता है। तुलसी जी कहते, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, पर बिना दाम के वो मिलता है। तुलसी जी कहते, आश्चर्यजनक बात यह होगी कलयुग में कि भगवान का नाम अनमोल होते भी फकीर बिना दाम के देंगे, लेकिन लेने वाले ग्राहक कम नजर आएंगे। वैसे देखा जाए तो आज राम नाम के ग्राहक बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सारी जनसंख्या का देखा जाए तो तुलसी जी वाली बात बिल्कुल सच नजर आती है। हजारों में, लाखों में, महीने में लोग मालिक के नाम से जुड़ते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिन रात ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत में जुड़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही काल महाकाल जलता है, तड़फता है, और बुराई के नुमाइंदे राम नाम को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों पे खर्च कर रहे हैं कि कैसे प्रभु का नाम रुके, कैसे कोई राम का नाम लेना बंद कर दे, कैसे कोई बुराइयां और बढ़ाए, बुराई को बढ़ावा मिले और राम नाम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर का नाम रुके। परलय महाप्रलय भी राम नाम ना रोक सकी, ये तो चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा यानी सुप्रीम पावर, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता। परलय महाप्रलय में ब्रह्म तक लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार ब्रह्म ना कभी खत्म हुआ, ना हुआ था और ना कभी होगा। वो धुन है, वो अनहद नाद है, वो हरि रस है,
वो अमृत है, वो आबो हयात है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस नाम से आप जुड़ो, जुड़ गए हो तो हमारी हाथ जोड़ के विनती, आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम आप जाप करके देखो, दो चार महीने, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप अगर जाप करते ही नहीं तो क्या किया जाए? बेपरवाह जी फरमाया करते, दिल करता है कि सब लोग जाप करें पर कोई करता नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं जो घोल के पिला दें, राम नाम तो जपना पड़ेगा, जादू टोना मंत्र सब रिद्धि सिद्धि में अटक के रह जाते हैं, अटका देते हैं। मालिक का नाम सुखों की खान है और उसका जाप करते हैं, करते हुए जो ओढ़ निभा जाते हैं, दोनों जहां में उनकी जय जयकार होती है और उनका नाम अमर हो जाता है। सच्चे दाता रहे पर बेबरवाजी ने फरमाया, वचनों पे अमल करना सीखो, राम नाम का जाप करो, मालिक के नाम की चर्चा करो, और मालिक का नाम वो परमानंद देगा, वो खुशियां देगा जो अनमोल हैं, किसी भी मोल कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। तो राम का नाम खुशियां लेके आता है, बदले में कुछ देना नहीं पड़ता, ना पैसा देना पड़े, ना घर परिवार त्यागना पड़े। आप घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं और उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। राम नाम जपने के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं, इंसानियत की सेवा के लिए जो त्यागी तपस्वी यानी ब्रह्मचारी सत्ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो नसीबों वाले होते हैं, उनकी कुलें उनके परिवार अति भाग्यशाली होते हैं। भीष्म पितामह हिस्ट्री में इतिहास में बड़े योद्धा शूरवीर बहादुर हुए और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने बाप के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, ये कसम खाई कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करवाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ताकि उसका बाप शादी करवा सके और उस शादी से जो बच्चा हो वो राज सिंहासन संभाल सके। उन्होंने ये कसम खाई तो तब से उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। भीष्म भयंकर, हद से ज्यादा भयंकर प्रतिज्ञा उन्होंने तो अपने बाप के लिए की, और आज इस जलते बलते भट में जो भी भाई बहन ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि ताउमर मालिक की याद में लगाएंगे, इंसानियत की सेवा में लगाएंगे, वो आप ही बताओ, एक अपने बाप के लिए प्रतिज्ञा करता है और एक भगवान की औलाद के लिए प्रतिज्ञा करता है जिसमें उसका खुद का स्वार्थ नहीं होता, कौन महान है? बेपरवाह जी ने फरमाया, सच्चे सौदे की फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, यहां मिट्टी होके रहना पड़ता शान का क्या काम।
बस इतनी सी बात है, दीनता नम्रता धारण करो, वचनों पे रह के सेवा करो। अरे जीवन में वो मकाम हासिल करोगे, वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो हे सेवादारों, हे इंसानियत की राह पे चलने वालों, कदम कदम पे काल की बिछी हुई डोरियां, बिछे हुए जाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप राम नाम के सहारे, ओम हरि सदगुरु मौला के सहारे, सेवा सुमरण के सहारे आगे बढ़ते जाओ, तो ये डोरियां अपने आप ही जल के भस्म हो जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। ये कौन से जाल हैं जो काल ने बिछा रखे हैं? काम वासना है जो इंसान को बुरी तरह भ्रमित कर देता है, बर्बाद कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। फिर क्रोध है, क्रोध में आके लोग अपना बहुत कुछ बर्बाद कर लेते हैं, भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में झगड़ा है, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं होती, तो फिर भी आप बर्बाद होते हैं। फिर मोह ममता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी माँ बहन बेटी, सब कुछ उसके लिए इंसान पागल हो जाता है, कुर्बान कर देता है, चाहे वो कितना भी गलत कर रहे हों, लोग बताएं कि भाई आपका बेटा आपकी बेटी गलत, नहीं मानता तो वो एक दिन उन्हें विष रूप बना देता है और खुद भी सारा परिवार कलंकित हो जाता है। फिर है लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आया नहीं कि बाकी के पाप जुड़ते चले जाते हैं। इंसान भूल जाता है सब कुछ, अपनों का बुरा करता है। हम आपको बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई, एक चोर था, बड़ा शातिर चोर, बड़ा ही शातिर, जिसे कभी कोई पकड़ नहीं पाया, इतनी सफाई से चोरी करता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था, कोई सबूत नहीं। एक दिन बहुत धनाढ़ आदमी के घर सुबह हुई, नौकर चाकरों ने शोर मचा दिया कि दीवार टूटी हुई है, चोर ने चोरी की है, सेंध लगाई है। मालिक जागे, दौड़ के देखा, सारे अलमीरा वगैरह खुली पड़ी थी, संदूक खुले पड़े थे, एक बड़ी सी पोटली पड़ी थी। जब उसके पास गए, नीचे एक बड़ी सी पर्ची पड़ी थी, पोटली साइड में करी, उस पर्ची पे लिखा हुआ था, मैं वही शातिर चोर हूं जो किसी के पकड़ में नहीं आया, रात मैं आपके यहां चोरी करने आया, मैंने सारा कुछ इस पोटली में बांध लिया, हीरे जवाहरात सोना सब कुछ मोती इसमें हैं, मुझे भूख लगी, यहां आपके मर्तबान हैं, उसमें वाइट कलर का कुछ था, मैंने सोचा ये बूरा चीनी है, मैंने उसे खोला, हथेली पे रखा और यूं फांक लिया, ओ ये बूरा चीनी नहीं, ये तो नमक है, मैं बहुत बुरा हूं, चोर ने बोला। चोर कहने लगा, मैं बुरा हूं, अवगुण है मेरे में, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, मैंने आम का नमक खाया है, इसलिए ये सारा सामान छोड़ के जा रहा हूं। चोरों के भी कायदे, चोरों के भी इंसानियत होती है। आज घोर कलयुग है, लोग
एक चुटकी नहीं, ट्रकों के ट्रक, ट्रालियों की ट्राली नमक खा जाते हैं। और माया रानी जब सूंघती है, माया रानी सूंघा दी जाती है तो पल में अनाप शनाप शुरू हो जाता है। जो राम नाम के गुण गाते हैं वो राम नाम को उल्टा बताना शुरू कर देते हैं। अब खुद ही देखिए इंसान कितना गिर चुका है लोभ लालच में, हद से ज्यादा। तो ये है लोभ लालच, और वो दुखी होते हैं, कुलें तक डूब जाती हैं, जीते जी परेशान रहते हैं, मरणोपरांत नरक में जाते हैं। फिर है अहंकार, किसी को अपने धर्म का, किसी को जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को पैसे का, किसी को औलाद का, किसी को शरीर का, बड़े अहंकार हैं इस जमाने में, इस दुनिया में। और उस अहंकार के घोड़े पे सवार जब इंसान हो जाता है तो अपना ही बुरा करता रहता है, दूसरों का बुरा नहीं होता। अहंकार को मार है, इसलिए अहंकार ना करो। रावण से बढ़के और कोई मिसाल हो नहीं सकती, उदाहरण हो नहीं सकता। सब कुछ था रावण के पास, चारों वेदों का टीकाकार पंडित, यानी कहीं से भी कोई दोहा बुलवा लो, अगली लाइन बोल देता था, उसकी व्याख्या कर देता था। सफल अति सफल राजनीतिज्ञ, जब वो मरा, मरना सन था, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को बोला था कि लक्ष्मण जा इसको राजनीति में गुरु बना ले, ये बहुत सफल राजनीतिज्ञ है, जबरदस्त वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, ये इतिहास गवाह है और ये सच है। और वही रावण जब चाहे बरसात करवाए, सूरज चंद्रमा की रोशनी से खाना बनवाए, एटम परमाणु कंधे पे टांग के घूमता जाए, सफल क्लोन ज्ञाता, खुद के तीन या चार बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख आगे नाती, यानी सफल क्लोन ज्ञाता, इतना जबरदस्त आदमी, इतना टैलेंटेड आदमी, एक ही बुरा कर्म किया, अहंकार किया कि मुझे मौत भी नहीं हरा सकती, तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तेरा वनगर दिया ना बाती। इसलिए अहंकार ना करो, बड़े बड़ों को अहंकार ने चकनाचूर कर दिया, खत्म कर दिया। ईगो अहंकार मिटा दो, खुद ही मिटाओगे खुदा आएगा, खुद ही मिटाओगे तो खुदा बिगड़े काम बनाएगा। यानी अहंकार त्याग दो, दीनता नम्रता रखो, दीन बन के रहो, नम्र बन के रहो, हर समाज में आपको कोई अच्छा कहेगा और रूहानियत में आप तरक्की करते चले जाएंगे, कोई बाधा नहीं आएगी। तो भाई ये 5, फिर मन माया, वो तो है ही जबरदस्त, इनके मुखिया हैं, 5ों के हेड हैं। मन भरमाता है और माया आदमी को सब्ज बाग दिखाती है। पैसों के लिए लोग पागल हुए फिरते हैं। अरे हमने देखा ऐसा राजस्थान में, गरीब के इलाके में, गरीबी के इलाके में, आपने भी यूपी साइड में गरीबी इलाके में देखा होगा, बहुत पहले की बात है, 5-5, 10-10 रुपए के लिए लोग, भाई बहन अपनी इज्जत बेचते हमने देखे हैं, सिर्फ 5-10 रुपए के लिए, आज का माने तो 100-500 के लिए। तो अब आदमी को अगर ज्यादा पैसा मिलता है और इज्जत भी लुटानी नहीं पड़ती तो वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ऐसा है ये घोर कलश, लोग पैसा उठाए घूमते हैं कि तू भाई ये कर दे, तू वो कर दे, तू फलां कर दे। लोग गुमराह हो जाते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, आज समाज में आम देखने को मिलता है। सब कायदे कानून भूल के उसी में लग जाते हैं। तो भाई इस कलयुग में इन 7ों ने भयंकर तूफान खड़े कर रखे हैं। किसने? काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ने। 7ों के चक्रव्यूह में
लोग बुरी तरह से टाइट होते जा रहे हैं। बचेंगे वो और बचे हैं वो जिनके माँ बाप का अच्छा साया है, अपने गुरु पीर फकीर के वचनों पे जिन्होंने अमल कमाया है, कमाएंगे वो बच जाएंगे, ये सातों को वो ही धूल चखाएंगे, वरना ये सात किसी के काबू नहीं आएंगे। तो इसलिए राम नाम से जुड़े रहो, सेवा सिमरण करते रहो। आप फिक्र ना करो आपके पास पैसा कम है, जमीन जायदाद कम है, क्या पता उस कम में मालिक ने कितने काट दिए आपके गम है, कोई भरोसा नहीं। हो सकता है बहुत जमीन होती, बहुत जायदाद होती और कोई ऐसी बीमारी लगती जो लाखों रुपए होते, वो तो उड़ते ही उड़ते जमीन भी बिक जाती और शरीर भी बर्बाद हो जाता। मालिक को शुक्र करो, उसका शुकराना करो। बेपरवाजी फरमाते गरीब है तो क्या हुआ, तंदुरुस्ती नियामत है और मालिक तेरा लड़ पकड़ा है, इससे बड़ी दौलत दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। एक बार हम सत्संग करते करते, दिन में तीन सत्संगें होती थी, 7 से 9:30 और 12 से 2:30 बजे और फिर 3:30 से 5:30, ऐसा तीन सत्संग डेली होता था। तो हम सत्संग करते 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 राजस्थान के एक एरिया में गए, पहाड़गंज उस एरिया का नाम था। होता क्या था, पहली सत्संग करी सेवादारों की, तीन टीमें होती थी, पहली टीम सत्संग करवाती, थर्ड जगह पे पहुंच जाती थी तीसरी जगह, और एक दूसरी वाली होती थी। तो दूसरी वाली सत्संग करवाने के बाद टेंट वगैरह लगवाने के लिए तीसरी टीम के साथ जंगलों में चली जाती थी कि यहां सत्संग होना है अगले दिन का। आसपास के जंगलात खाली जगह, वहां टेंट लगाते थे और जंगल में हम सब लोग रुका करते थे टेंटों में। तो उस पहाड़गंज एरिया में सत्संग होना था, तीन सत्संगें हुई। हम रात को पहुंचे तो हमें बताया कि पिताजी यहाँ पास में एक गरीब परिवार रहता है, दो मियाँ बीबी बुजुर्ग, काफी उम्र थी उनकी, बुजुर्ग थे। तो कहते उनका मकान एक सही है, एक की आधी छत गिरी हुई है, गरीब हैं, पैसा नहीं है। तो हमने कहा, फिर कहते हमने उनको बोला कि आटा ले लो, वो कहते गुरुजी आएंगे यहाँ रुकेंगे, हमारा कुएं का पानी पियो, कोई हर्ज नहीं, पर क्या हमें कुछ देना पड़ेगा। सेवादार कहते नहीं, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम आपको आटा देते हैं, आपकी छत बना देते हैं, घर बना देते हैं। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए दोनों बुजुर्ग, बागड़ी परिवार, कहने लगे भाई हो सके तो माने थारे गुरु जी से मिला दो, कि अगर हो सकता है तो आप हमें आपके गुरु जी से मिला सकते हो। वो कहते हाँ। तो हमें कहने लगे गुरु जी उनको मिलाएं, हमने कहा जरूर मिलाओ। बुलाया दोनों बेचारे बुजुर्ग, लगभग 70-80 साल के बीच की उम्र, मियाँ बीबी। हमने कहा बोलो बेटा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आंखों में आंसू आ गए, कहते गुरु जी पहली बात तो ये, आज तक कोई भी संत फकीर आया हमसे भी पैसा लेके गया, हालांकि हमारा आधा घर गिरा हुआ है, इतनी फसल नहीं होती, लेकिन पहले आप फकीर हैं जिसके भक्त ये कहते हैं हम आपका घर बना दें, आपको आटा दे दें, तो हमने ये नहीं लेना। हमने कहा फिर और क्या चाहिए। ध्यान से सुनने वाली बात है, हमने कहा फिर आपको क्या चाहिए। वो दोनों के हाथ कांप रहे थे, ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे। कहते गुरु जी हमें ज्यों का त्यों वो सीन याद है, रात थी, लाइटें जगी हुई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। कहने लगे गुरु जी अगर हमें कुछ देना है तो हमें राम से मिला दो, भगवान से मिला दो, हमें भगवान चाहिए, धन दौलत जमीन जायदाद नहीं चाहिए। वाह, ये है इंसानियत, ये है मानवता। गरीबी हुई तो क्या हुआ, भगवान ने हमें उनके घर जा छोड़ा, जितना मर्जी जोर लगाते कहीं जगह नहीं मिली, उनके घर के पास ही जगह मिली, जंगलों में, बस आसपास जंगल था, गांव नहीं था, उनका एक घर था, वहीं पानी मिला, कहीं पानी ना मिला उस रात। तो ये है उनकी सच्ची तड़फ। अगले दिन उन्होंने नाम लिया,
गुरु मंत्र का जाप किया और नाचने लगे कि हमें सच्चा मोक्ष मिल गया है, सच्ची भक्ति का तरीका मिल गया है। ये है इंसानियत, आज भी जिंदा है। आज भी माँ बाप के अच्छे नेक बच्चे हैं जो दृढ़ता से, हिम्मत से सतगुरु के उन वचनों पे अमल करते हैं कि सारी दुनिया एक पास है, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास। दुनिया को, दौलत को, शोहरत को ठुकरा देते हैं और अपने भगवान अल्लाह सतगुरु राम से हमेशा नाता जोड़े रखते हैं। तो धन्य ऐसे माँ बाप, धन्य ऐसे बच्चे, धन्य ऐसी कुलें जिनमें ऐसी औलादें सेवादार जन्म लेते हैं। तो भाई यही आज के दौर का, आज के समय का बयान है, हकीकत है कि आज के दौर में क्या हो रहा है, कितना घोर कलयुग है। गुंडागर्दी, नशा, प्रस्ती आम है और राम नाम के लिए लोग रोकते हैं, भक्ति इबादत के लिए रास्ते रोके जाते हैं, तरह तरह के नियम बनाए जाते हैं। पर राम नाम, जैसा आपको बोला, कोई किसी का गुनाह नहीं करता, किसी को दर्द नहीं पहुंचाता। राम नाम तो सबका भला करता है, जो भी राम का नाम लेता है उसे अंदर बाहर कोई कमी ना रही थी, ना रह रही है और ना रहेगी। राम नाम संभाल करता था, कई गुना बढ़ के कर रहा है और सैकड़े गुना बढ़ के आगे करता रहेगा।